नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। मेरा गांव मेरा देश में यूपी एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हर रोज की तरह आज एक बार फिर हम एक नई विधानसभा की बात करेंगे। तो आज मेरा गांव मेरा देश के यूपी एडिशन में हम बात करेंगे बहराइच के सदर विधानसभा की। कितना वहां पर विकास हुआ, कितने जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया, आज इसकी पड़ताल यहाँ पर की जाएगी। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और दर्शक भी कॉल करेंगे जो वहाँ की असलियत और सच्चाई भी बताएंगे। तस्वीरें भी आपको अभी सदर विधानसभा की बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह की तस्वीर नजर आती है, कि जो वादे किए गए थे वो क्या पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चुनाव से पहले तमाम बड़े बड़े वादे और दावे तो यहाँ पर कर दिए जाते हैं, लेकिन असलियत क्या है वो तो चुनाव से पहले या उससे बाद में ही दिखती है। इसीलिए मेरा गांव मेरा देश कार्यक्रम हमने रखा है ताकि उन लोगों को मंच दिया जा सके, उन लोगों की आवाज को उठाया जा सके जिनकी आवाज कहीं दब जाती है और जिनकी बातें कहीं रह जाती हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच के सदर विधानसभा की। और अगर इस विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी का सबसे ज़्यादा कब्जा जो है वो रहता था, सालों से काफ़ी ज़्यादा कब्जा समाजवादी पार्टी का रहा, लेकिन अब जो वहाँ से विधायक हैं वो बीजेपी की हैं, अनुपमा जायसवाल। अगर विधायक अनुपमा जायसवाल की बात की जाए तो देखिए कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा काम उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि जब हमने बहराइच के सदर विधानसभा सीट की पड़ताल की, जानने की कोशिश की कि वहाँ के हालात कैसे हैं, तो कुछ अच्छी बातें नहीं सुनने में आई। वो इसलिए क्योंकि अनुपमा जायसवाल ना तो कभी इस विधानसभा की तरफ जाती हैं, ना जनता से बातचीत करती हैं, ना जानने की कोशिश करती हैं कि वहां पर कितना काम हुआ है। हां, वो जाती जरूर हैं, लेकिन जब बहराइच में या आसपास में कोई बड़ा बीजेपी का नेता पहुंचता है तो फोटो सेशन कराने के लिए जरूर वो पहुंच जाती हैं। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से जो विकास के काम किए जाते हैं सबसे ज़्यादा जोर उन्हीं चीज़ों पर दिया जाता है, लेकिन जो अगर देखा जाए विधायक निधि से काम होने चाहिए उन काम में कुछ भी नज़र नहीं आता। यानी कि वादे जो जनता से किए जाते हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित यहाँ पर होते दिखते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस सीट की बात की जाए तो आपको बता दें कि फरवरी 2021 में यहाँ पर एक सड़क के लिए अनुपमा जायसवाल ने कहा था कि सड़क बनवाई जाएगी, विकास कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद अब तक भी ना तो सड़क का निर्माण हुआ है। हाँ, केंद्र की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जो फ्लाईओवर बड़े बड़े बनाए जाते हैं, साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनाए जाते हैं उन पर ज़रूर तेज़ी से काम चलता है, लेकिन जो वहाँ की विधानसभा सीट की जो आम जनता है सदर विधानसभा की, उनके लिए कोई भी काम वहाँ के विधायक की तरफ से नहीं किया जाता। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अनुपमा जायसवाल कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दिया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अनुपमा जायसवाल विधायक तो हैं बहराइच के सदर विधानसभा सीट से, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हाँ, चुनाव ज़रूर आ रहे हैं तो हो सकता है एक्टिव हो गई हो, लेकिन अगर पहले की बात की जाए, बीते 5 साल की बात की जाए, तो बीते 5 साल में अनुपमा जायसवाल ने ना तो जनता से मुलाकात की, ना जनता की बात जानने की कोशिश की, ना परेशानियां जानने की कोशिश की कि किस तरह से जिस जनता ने उन्हें वोट देकर सीट दिलाई, गद्दी पर बैठाया, उस जनता के क्या हाल है और वो जनता किस हाल में है, ये देखने की भी कोशिश यहाँ पर नहीं की जाती है। साथ ही आपको बता दें कि 1980 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत इस सीट पर दर्ज की थी और कई सालों तक समाजवादी पार्टी का भी सीट पर कब्जा रहा था, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी काफ़ी अच्छी मजबूत पकड़ इस सीट पर मानी जाती है। साथ ही लेकिन ये भी बता दें कि अभी जो वर्तमान में विधायक हैं अनुपमा जायसवाल, उनके प्रति लोगों में नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि वो ना तो इलाके में जाती हैं, ना क्षेत्र का दौरा करती हैं,
हालांकि वादे जरूर बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, चाहे चुनाव से पहले 2017 की बात कर ली जाए, 2017 में भी बीजेपी ने वादे तो जरूर बहुत बड़े बड़े किए थे कि आपके विधानसभा में ये काम किया जाएगा, आपके विधानसभा में वो काम किया जाएगा। लेकिन अगर मूलभूत सुविधाओं की बात भी कर ले, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध होती हैं। इसके साथ अगर बात की जाए शिक्षा की, रोजगार की और स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो वो भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं वो भी लोगों को नहीं मिलती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े वादे यहां पर कर दिए गए थे, बड़ी बड़ी बातें जो जनता से की गई थी, वो अब धरातल पर नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। और इसीलिए अब 2022 बेहद नजदीक है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, एक बार फिर से वही वादे किए जा रहे हैं, उन्हीं वादों की झड़ी लगाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि बड़े बड़े वादे करने वाले नेता चुनाव होने के समय तो सड़कों पर नजर आते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आखिर वो गायब हो कहां जाते हैं? सीट की बात कर रहे हैं, लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास कितना हुआ है, वादे कितने पूरे हुए हैं, कितना काम वहाँ पर हुआ है, वहाँ की जनता को जो कहा गया था वो वाकई क्या पूरा हुआ है या सिर्फ कहने की बातें वो सब रह गई है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम मेहमान भी अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम यहां पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नदीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। नदीम जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी जी जी, नमस्कार जी। नदीम जी, बहराइच की सदर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कैसी तस्वीर नजर आती है वहाँ की सदर विधानसभा की, कितना विकास वहाँ पर हुआ, कितना नहीं हुआ, क्या सच्चाई है? देखिए, मैं कहना यही चाहूंगा, आप सदर विधानसभा छोड़ दीजिए, बहराइच में जो हमारे बहराइच जिले में 7 विधानसभा है, मुझे तो नहीं लगता कहीं भी विकास हुआ है। और लोग ये कहते हैं कि विकास हुआ है, मुझे हाँ विकास उन्होंने किया है। बीजेपी का विकास देखने के लिए हेलीकॉप्टर से हवा में जाना पड़ेगा, उनका सारा विकास हवा में है, जमीन पे कोई उन्होंने विकास नहीं किया है, न इनके कोई विधायक, न कोई सांसद, कोई न क्षेत्र में जाते हैं, न लोगों से मिलते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जबरदस्ती, जैसे मैं बता दूं, मैं अपने आप को, मैं पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बहराइच का जी, तो तमाम मेरे ऊपर दबाव थे कैसे मैंने जिला पंचायत 5 साल चलाई थी और कैसे मैंने जो है बहुत सी बातें हैं ऐसे कि मतलब सामने नहीं कह सकता क्या बीत रही थी मेरे ऊपर, बता नहीं सकता। लेकिन यह है कि इनका केवल एक मकसद है, झूठ बोलो और लूटो जी। और जनता ने इस बार जनादेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया होना निश्चित है और बहराइच जिले में 7 की 7 सीट इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगी। ठीक है, लेकिन नदीम जी, बहराइच में समाजवादी पार्टी का काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ मानी जाती है और रही भी है, काफ़ी बार जीती भी है समाजवादी पार्टी सीट से। लेकिन आप अब कह रहे हैं कि बीजेपी झूठे वादे करती है, कुछ काम नहीं किया। अगर बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया तो आप ही बता दीजिए, आपकी जब सरकार थी तब कितना काम हुआ था विधानसभा में? आज हम जो आप बताते हैं कि बहराइच से जो लखनऊ मार्ग बना है इस समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो लखनऊ जाने में जो स्थिति होती थी 5-6-7 घंटे लखनऊ जाने में लगते थे और बहराइच से ये हमारा जो जनपद है, ये एक रोड हमारे यहाँ से जाती है अंतर्राष्ट्रीय रोड जो नेपाल जाती है, जो हमारे नेपाल जो देश है वहाँ जाती है, वहाँ की ये स्थिति थी कि 50 किलोमीटर का रास्ता 2-3 से 4 घंटे लगते थे। आज अगर आदमी सही से जा रहा है,
मतलब बहुत कायदे जा रहा है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की देना है। आज देख लीजिए मैंने कई बार लाइव भी किया है, ये कहते हैं कि मैंने गड्ढा मुक्त कर दिया, कहाँ गड्ढा मुक्त हो गया, मुझे नहीं दिख रहा है गड्ढा मुक्त हो गया, केवल गड्ढा मुक्त के नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। लेकिन नदीम जी आप कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई हैं, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सदर विधानसभा की, सड़कें तो सही नजर आ रही हैं, एकदम से लग ही नहीं रहा है कि सड़कों में कोई कमी है, गड्ढे हो। देखिए मैं बता दूं वो क्या रहा है, जो बहराइच में नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका से कोई काम हो रहा है तो विधायक ले रहे हैं। नदीम जी अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए फिर आप बताइएगा, पहले तस्वीरें देख लीजिए फिर आप बताइएगा जो आप कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हो पाई हैं। मैंने ये तस्वीर हमारे मेन है इसलिए जिससे नगर पालिका ज्यादातर जो आता से काम हुआ जहाँ मेन रोड पे ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया है, ना कि बीजेपी ने किया है। वही जो काम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने काम किया है वही काम आज बीजेपी दिखा दे रही है। आप नहीं देखा, आप लखनऊ में मेट्रो नहीं देखा, समाजवादी पार्टी। ठीक है नदीम जी एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं जो बहराइच की सदर विधानसभा सीट से ही आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर, आपका नाम क्या है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? अपना नाम बताइए आप। रमेश नाम मेरा, रमेश कुमार जी। बताइए अगर बहराइच की सदर विधानसभा सीट की बात की जाए तो कितना अब तक विकास हुआ है, बीजेपी ने जो वादे किए थे पूरे किए हैं या नहीं? वादे तो मोदी गवर्नमेंट ने और योगी गवर्नमेंट ने पूरे कर रहे हैं, लेकिन जो उनके विधायक हैं, विधायक का हाल बहुत बुरा है, वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनको हटा दिया गया कैबिनेट से, और विकास के नाम पर अनुपमा जायसवाल ने बहराइच सदर विधानसभा में कोई भी काम नहीं किया जी, सिर्फ खाली कागजी कार्रवाई की गई है। और जहां तक विकास के और भी दूसरे बात की जाएगी तो मेडिकल कॉलेज से लेकर शिक्षा क्षेत्र में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं थी और नेशनल हाईवे थे उस पर काफी काम हुआ है। लेकिन सदर विधायक की तरफ से कहा जाए कि अगर विधायक ने कोई काम किया तो अपनी स्टेट की तरफ से, तो विधायक ने कोई काम नहीं किया है, विधायक के काम सिर्फ खाली छलावा है। विधायक के पति का भी एक अभी कल वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दरोगा को हटा रहे हैं, डांट रहे हैं, इस प्रकार से दबंगई दिखाने पड़ रही है। तो योगी जी ने खुद उनको कैबिनेट से बाहर किया, तो ऐसे में कहां आम जनमानस के साथ वो न्याय कर किया जी। यानी कि काम कुछ नहीं हुआ, जो वादे किए गए थे वो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। वादे तो नहीं पूरे हो पाए, लेकिन जो राज्य सरकार की योजनाएं थी वो उन्हीं को लागू हो पाई, और विधायक निधि से कोई काम नहीं किए गए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, मोदी गवर्नमेंट की योजना थी, उसको मेडिकल डिग्री इंटर कॉलेज को आगे बढ़ाया गया पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में, और मेडिकल क्षेत्र में जिला अस्पताल था उसको मेडिकल कॉलेज किया गया, तो कुछ सुविधाएं तो हुई, लेकिन जो विधायक की तरफ से होती है वो नहीं हुई है, वो कोई काम नहीं दिखाई पड़े यहाँ पर। चलिए ठीक है, सदर की ये रोड है जो उनके माननीय विधायक जी के घर से लेकर मेन घंटा घर तक जाती है, आज तक उस पर कभी काम नहीं हुआ जी। इस प्रकार से जो विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ जी। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यानी कि देखिए जनता भी कहीं ना कहीं यही मान रही है कि काम हुए हैं लेकिन उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे, जो वादे किए गए थे वो उतने ज़्यादा काम नहीं किए गए। हाँ ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं थी उन पर काम चल रहा है और उन पर काम हुआ है, लेकिन अगर विधायक निधि की बात की जाए तो विधायक निधि से कोई काम नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखिए यही है कि एक विधायक को जब जनता वोट देकर जिताती है तो जिम्मेदारी बन जाती है कि उस जनता के लिए वो विधायक काम करे। बीजेपी से हरीश चंद्र यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। बहुत धन्यवाद हरीश जी। बहराइच की सदर विधानसभा सीट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं और विकास के बड़े बड़े वादे तो यहाँ पर किए गए थे, लेकिन आज देखिए अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी मेहमान जुड़े हुए थे, कॉलर भी जुड़े, जो रिएक्शन मिल रहा है वो कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है कि काम तो वहां पर हुआ ही नहीं है, जो वादे विकास के किए गए थे वो तो पूरे किए ही नहीं है। बहराइच
जिले में और बहराइच विधानसभा में जितना विकास इस 5 साल में हुआ है जी, उतना समाजवादी बसपा सभी की सरकार मिला लीजिए तो मिला करके इतना विकास नहीं हुआ जितना इस 4.5 साल में बहराइच का विकास हुआ है जी। लेकिन बताए तो कुछ और जा रहा है, अब बताने के लिए उनके पास कुछ है ही नहीं, समाजवादी पार्टी के पास बसपा के पास और कुछ बताने के लिए है ही नहीं, तो और यही बताएंगे ही नहीं। हरीश जी देखिए, जो सदर विधानसभा सीट के जनता जो है उनमें तो नाराजगी है कि वहाँ की जो विधायक हैं अनुपमा जायसवाल वो तो कभी पहुंचती नहीं है, ना वो जनता से बात करती है, ना उन्हें पता है कि वहाँ की जनता की परेशानी क्या है। और आप कह रहे हैं खूब विकास हुआ है, आज तक ना तो विधायक निधि से एक भी पैसा खर्च किया है उन्होंने कि हमारी विधानसभा के लिए कुछ काम कर दूं। हम विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है इस 5 साल में और पहले 14 से जो 19 तक हमारी सरकार थी, केंद्र सरकार ने जो किया है नहीं, केंद्र सरकार तो कर रही है, में नहीं हुआ है। हरीश जी केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन जो स्थानीय विधायक होते हैं, जब विधानसभा की हम बात कर रहे हैं तो विधायक के पे ही सवाल जवाब करेंगे। विधायक की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की? काम सभी विधायक ने किया है, सभी सांसद ने किया है, सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। जब पार्टी कार्य करेगी तो नीचे सब लोग करेंगे। हमारे यहाँ कार्य हुआ है बाराबंकी से लेकर, आप ये बताइए अनुपमा जायसवाल ने क्या काम किया है या नहीं किया है? अब उसके बारे में तो वही बता सकती है, दूसरे के बारे में तो नहीं बता सकते हैं। नहीं, आप लेकिन पता तो होगा ना शहर में, वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन आपको कुछ तो पता होगा कि कितना काम वहां पर हो रहा है, कितनी एक्टिव वहां की विधायक है या नहीं है? नहीं, विधायक हैं और शहर में काम भी हुआ है, बहुत से जितनी खराब सड़की थी सब नई चमचमाती हुई रोड बन गई है। रेलवे की हमारी छोटी लाइन थी जो अभी तक नहीं हो पाई, गोंडा बहराइच बड़ी लाइन हो गई है। लेकिन हमें तो ये पता चला है कि जो केंद्र सरकार के योजनाएं हैं सिर्फ उन पर ही काम चल रहा है, जो बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं सिर्फ उन पर काम चल रहा है, लेकिन जो विधायक निधि से काम होना चाहिए था उस पर कुछ काम नहीं हो रहा। अब विधायक निधि के बारे में तो वो विधायक ही बता सकती है कि कहाँ काम उन्होंने किया है, लेकिन माने विकास हुआ है, पार्टी द्वारा विकास किया गया। आप तो बस यही रट लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, नदीम जी भी यहाँ पर कुछ कह रहे थे बहुत देर से, बोलिए नदीम जी। देखिए, ये हरिचंद गुप्ता जी आए हैं, जब ये बीजेपी के ये भी कार्यकर्ता है, उपाध्यक्ष रह चुके बीजेपी के, जब ये खुद नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि विधायक का मैं नहीं बता सकता, बीजेपी की बात कर रहे हैं, इनकी जब खुद ये स्थिति है कि जब विधायक के बारे में नहीं बता सकते तो किसके बारे में बता दिया, ये तो साफ साफ बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये खुद कह रहे हैं। ये तो इनकी बातों से यही लगता है कि विधायकों ने काम नहीं किया है। मुझे तो लगता है किसी ने काम नहीं किया, कहाँ काम किया है? आज जो लखनऊ से बहराइच आ रहे हैं, रुपेरिया जा रही रोड, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया, समाजवादी कांग्रेस ने किया है। और मैं ये पर बता दूं, आप भी पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, जो जिला पंचायत की रोडें जिला पंचायत सदस्य बनवाते थे, मैं बनवाता था, वहां पर विधायक और सांसद जबरदस्ती अपना वोट लगवाते थे, आप बताइए, ये तो आप भी बता सकते हैं जी, आप बताइए, ये तो आप भी बता सकते हैं जबरदस्ती वोट लगवाते। हरीश जी बताइए, देंगे जवाब आप। जिला पंचायत किया, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा विकास किया है, चाहे वो किसान सम्मान निधि से हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ये हो, कई पूरी भारतीय जनता पार्टी की क्यों बात कर रहे हैं आप? स्थानीय विधायक की सांसद की बात कीजिए ना, कि वो जनता के बीच में कितना जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी भारतीय जनता पार्टी को संभाल रहे हैं और वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बहराइच के सदर विधानसभा की आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, वहाँ की बात कीजिए ना, कि विधायक कितनी बार जाती है जनता से मिलने, जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले कितने पूरे हुए हैं वो बताइए आप। नहीं नहीं, वादे जितने किए गए थे वो सारे वादे पूरे हुए हैं, और हमारे पार्टी के चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सभी ने पूरा काम किया, सभी पूरा काम कर रहे हैं। पार्टी का बराबर निर्देश है कि क्षेत्र में जाइए, जनता के बीच में जनता का जो आवश्यक कार्य है उस कार्य को किया जाए, और पूरी तौर से सारे लोग कार्य कर रहे हैं।
फिर कैसे जनता कह रही है कि कुछ नहीं हुआ? पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, ये पहले भी रहे हैं, 5 साल इन्होंने किया है, तो इनके तो समय में सारे भ्रष्टाचार ही है, चाहे जिसकी दूसरे के जमीन हो उसको हड़प लिया जाए, दूसरे का मकान हो उसको हड़प लिया जाए। हरीश जी, आप समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, आप अगर विधायक अनुपमा जायसवाल के बारे में जानते होंगे तो कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पद से हटा चुके हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाई गई थी, और आप समाजवादी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। ये तो पार्टी पार्टी में लगा रहता है, किसी को अरे तो ठीक है ना, पहले आप अपनी पार्टी में झांक कर देख लीजिए, पहले अपनी पार्टी में झांक कर देख लीजिए ना। हमारे पार्टी में किसी नेता पर, एक नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप है? आप बता दीजिए कि किस पर आरोप है। बता तो रही हूँ, समाजवादी पार्टी में तो अभी समाजवादी पार्टी का अनुपमा जायसवाल जो विधायक है सीट से उन पर ही आरोप है, जो सदर विधानसभा सीट से विधायक है उन पर ही आरोप है भ्रष्टाचार के। अब हमारे जानकारी में तो कोई आरोप नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आप पता कीजिएगा फिर, आप पता कीजिएगा फिर, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी बताइएगा फिर बाद में। जी 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 जी, लेकिन जनता तो... लेकिन सरकार 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 के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है और सभी विकास के कार्य किए गए हैं। कैसे आप अच्छा कार्य बता रहे हैं हरीश जी? आप अच्छा कार्य कैसे बता रहे हैं? वहाँ की जनता में तो गुस्सा रहता है कि ना तो विधायक कभी क्षेत्र में आती हैं, ना जनता की बात सुनती हैं। अब बताइए, जो जनता उन्हें वोट करती है और चुनाव के समय में उन्हें जिता देती है, जब उसकी बातें नहीं सुनी जाएंगी उन्हीं लोगों की, तो किस तरह से आप कह रहे हैं कि काम हुआ है? अब विधायक पर्सनल उनकी कोई बात हो तो वो तो वही बता सकती है, हमारी जानकारी यही है कि जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उपस्थित रहती हैं। उपस्थित सिर्फ, देखिए मैं बता देती हूँ, शायद आपको अनुपमा जायसवाल के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, उपस्थित वो सिर्फ उसी कार्यक्रम में रहती हैं जिसमें बड़े बड़े नेता बीजेपी के पहुंचते हैं, जो स्थानीय कार्यक्रम होते हैं उनमें भी नहीं पहुंचती वो। जी, अब हम लोग जिस कार्यक्रम में रहते हैं वहां तो खैर उपस्थित रहती है, पता नहीं, या तो हो सकता है फिर क्षेत्र की जनता झूठ बोल रही है जी, या क्षेत्र की जनता को ये दिख नहीं पा रहा होगा कि विधायक तो रहती हैं लेकिन हो सकता है कि वो नहीं दिखती हो वो वहां पर। जी, बताइए, बाकी विकास का कार्य तो बहुत बहुत विकास के कार्य हुए हैं। अच्छा ठीक है, रोजगार और शिक्षा के लिए बता दीजिए फिर कितना काम किया है। अब हमारे यहाँ जो अभी तक संभव नहीं था, मेडिकल कॉलेज, वो बहुत बड़ी सौगात बहराइच को मिल गई, मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ के अलावा, गोरखपुर के अलावा और कहीं नहीं था, तो वो बहराइच जैसे छोटे शहर में मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये जी। बाराबंकी से लेकर रुपईडीहा तक एनएच की रोड अच्छी बन गई, जो हम लोग 6 घंटे में जाते थे अब 2 घंटे पहुंच जाते हैं। चलिए ठीक है, फिर एक काम वो भी बता दीजिए कि 2017 से पहले जो नहीं हुआ था समाजवादी पार्टी के समय में और फिर आपकी सरकार बनी उसके बाद आपने करवा दिया हो। नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में यही बता रहे हैं कि जो रोड का काम बाराबंकी से रुपईडीहा बना है वो हमारी सरकार ने स्वीकृत किया, हमारी सरकार ने बनाया है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने। ठीक है हरीश जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में, सबसे पहले परिचय दीजिए आप अपना। हमारा हरीशचंद गुप्ता नाम है। हरीश जी, माफ कीजिएगा, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, एक कॉलर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर रही हूँ मैं, एक मिनट आपके पास आऊंगी। जी बोलिए, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी मैडम मिल रही। अपना नाम बताइए आप। मैडम दिनेश चंद त्रिपाठी मेरा नाम है। अपनी बात रखिए, किससे आप बात करना चाहते हैं? यहाँ पर बीजेपी से भी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से भी हैं, किससे आप सवाल करना चाहते हैं और समस्या बताइए अपने विधानसभा क्षेत्र की। मैडम बात तो करनी है बीजेपी के नेता से। जी सुन रहे हैं हरीश जी, अब सुन लीजिएगा, आपसे ही बात करनी है। मैडम जब से यहाँ हमारे यहाँ सब्जेक्ट को विधायक महोदय चुनी गई है। हेलो जी जी बोलिए, बात रखिए आप अपनी। हाँ, हमारे यहाँ जो विधायक महोदय चुनी गई है अनुपमा जायसवाल जी, इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है।
ठीक है हरीश जी, कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि जो विधायक है अनुपा जायसवाल जी, उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया और आप कह रहे हैं खूब विकास हुआ है। आप बताइए, जवाब दीजिए, वहां की जनता ही है ये बहराइच सदर विधानसभा सीट की जिन्होंने अभी फोन किया है, जो कॉल पे हमारे साथ जी। भाई हमारे जानकारी में बहराइच में पूरा विकास हुआ है, जो 60 सालों में नहीं हो पाया था वो विकास इस 5 साल में हुआ है। अब ये लोग कहने के लिए तो और कोई मुद्दा तो बचा नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। नहीं, ये समाजवादी पार्टी से नहीं है, ये तो आम जनता है जी। ये हो सकता है कि 100 काम रहे हो, 100 में 90 काम हो गए, 10 काम ना हो पाए हो, लेकिन ज्यादातर विकास हुआ है, ज्यादातर लोगों का काम तो हुआ। हरीश जी, आप तो बस एक ही रट लगा रहे हैं कि विकास के कार्य हुए हैं, विकास के कार्य हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि नारा किसी ने सिखा के आपको भेजा है, बस यही। जब जनता बोल रही है, फोन कर कर सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो विधायक है उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया, और आप तब भी कह रहे हैं विकास के काम हुए हैं खूब। अब बताइए किसकी बात पर आप यकीन करेंगे? विधायक निधि से जो काम हुए हैं उस काम को तो विधायक ही बता सकती है, क्योंकि उसकी सूची तो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो जनता के बीच काम हुए हैं, गांव शहर में जो काम हुए हैं, वो हमारे जानकारी में, वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए, और हमारे कॉलर का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें फोन करने के लिए और समस्या बताने के लिए। तो आज मेरा गांव मेरे देश के यूपी एडिशन में हम बहराइच के सदर विधानसभा की बात कर रहे थे, जहां पर वादे तो किए गए थे लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी काम जो है वो नहीं हो पाया है, और जितने वादे किए थे वो सभी पूरे नहीं हो पाए हैं। इसीलिए नाराजगी लोगों में विधायक को लेकर खासा देखने के लिए मिल रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा के साथ। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।